हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रूबी। आज मैं आई हूँ एक हाई प्रोटीन रेसिपी के साथ, जो कि मैं नो अनियन नो गार्लिक ग्रेवी से बनाने वाली हूँ। ये एक ऐसी रेसिपी है जो आप हर तरह की ग्रेवी के साथ बना सकते हो, चॉप मसाला के साथ बना सकते हो, जिसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी डाली हुई है, जिसको मास्टर मसाला भी कहते हैं, और तीन ग्रेवीज के साथ बना सकते हो, वाइट ग्रेवी, मक्खनी ग्रेवी, चॉप मसाला, अगर आपने इसको रिच वर्जन देना है तो। और ये तो नो अनियन नो गार्लिक ग्रेवी से तो बनेगी ही आज, और इसको आप ऑल पर्पज़ ग्रेवी के साथ भी बना सकते हो, जो कि एक मल्टीपर्पज़ ग्रेवी है जिससे हम ढेर सारी डिशेस बना सकते हैं, जिसकी वीडियो जल्द ही आ रही है। इस रेसिपी का नाम है हाई प्रोटीन चीज़ी न्यूट्री कोफ्ता, और ये आपके फैमिली और बच्चे बहुत लाइक करेंगे, और जो मेरे भाई बहन घर से किचन चला रहे हैं या टिफ़िन सर्विसेज दे रहे हैं, ये उनको एक वैरायटी देगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले आपको पता ही है आपने क्या करना है, आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है, और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा, और प्लीज़ मेरी वीडियो बिना स्किप कीजिए देखिएगा, क्योंकि स्किप करेंगे तो टिप्स मिस करेंगे। और हाँ, एंड तक बने रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक कमेंट आया है मुझे जिसके बारे में मैं एंड में बात करूँगी। तो न्यूट्री कोफ्ता बनाने के लिए मैंने ये सारे इंग्रेडिएंट्स ले लिए हैं। सबसे पहले मैंने ली है न्यूट्री, ये है 150 ग्राम न्यूट्री। न्यूट्री खरीदते समय आपको ध्यान रखना है कि आप बहुत हाई क्वालिटी न्यूट्री खरीदें और जिसके ऊपर टेक्सचर्ड सोया प्रोटीन लिखा हो। इसके साथ मैंने लिए हैं खड़े मसाले, एक मोटी इलायची, दो छोटी इलायची, 8 से 10 दाने साबुत काली मिर्च के, 3-4 लौंग, एक तेज़पत्ता और एक छोटा टुकड़ा दालचीनी का। और ये ले लिया मैंने जीरा, रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर, कश्मीरी रेड चिली पाउडर, नमक, कसूरी मेथी, कोरिएंडर जीरा पाउडर, गरम मसाला, कॉर्नफ्लोर, चॉप्ड ग्रीन चिलीज, चॉप्ड जिंजर, धनिया, पनीर ग्रेट किया हुआ, वाइट बटर, क्रीम और प्रोसेस्ड चीज़। तो सबसे पहले कर देंगे हम न्यूट्री को बॉयल, पानी को कर देंगे गरम। इसमें डालूंगी खड़े मसाले, मोटी इलायची, क्रश की हुई छोटी इलायची और ये सारे खड़े मसाले डाल देंगे हम। थोड़ा सा ऐड करूंगी नमक। अब डालेंगे न्यूट्री और इसको 7-8 मिनट के लिए बॉयल करेंगे। तो 7-8 मिनट हो गए, अब मैं इनको स्ट्रेन कर लूंगी। जब सोया चंक्स ठंडे हो जाएंगे तो हम इसको अच्छी तरह से स्क्वीज कर लेंगे, ताकि जो भी कोई स्मेल है इसमें वो हट जाए। ये वाला प्रोसेस करना बहुत इम्पोर्टेंट है, आप अच्छी तरह से स्क्वीज करके फिर ही सोया को यूज़ करें। और स्क्वीज़ हम इस पानी में नहीं करेंगे, ये हम पानी रिटेन करेंगे ग्रेवी के लिए। ये जो खड़े मसाले हम इसको निकाल देंगे, क्योंकि ऑलरेडी फ्लेवर पानी में आ चुका है। तो अब न्यूट्री ठंडी हो चुकी है, अब इसको स्क्वीज़ कर देंगे। बहुत अच्छी तरह से स्क्वीज़ करेंगे इसको, ताकि कोई भी बिटरनेस हो वो निकल जाए और मॉइस्चर भी हट जाए मैक्सिमम। मैं फिर से कह रही हूँ, ये वाला प्रोसेस करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो स्क्वीज करने के बाद मैंने इसको कर लिया था ग्राइंड, न्यूट्री को। ये देखिए पूरी तरह से ग्राइंड हो चुकी है। अगर ग्राइंड करते टाइम इसके एक आधे चंक्स रह भी जाते हैं तो उसको आप हाथ से ही मैश कर लेना, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं पकने के बाद। तो अब बनाना शुरू करते हैं कोफ्ता बॉल्स। सबसे पहले हम डालेंगे स्पाइसेस। ये डाल दिया मैंने नमक, 1/4 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून कोरिएंडर जीरा पाउडर, 1/4 टीस्पून गरम मसाला, थोड़ी सी डालूंगी अदरक लगभग 1/2 टीस्पून,
और थोड़ी सी डालेंगे हरी मिर्च। अब ऐड करूंगी ग्रेटेड पनीर, ये मैंने लगभग 30-40 ग्राम्स लिया है। ये बाइंडिंग देगा और कोफ्ते को अंदर से सॉफ्ट भी रखेगा और बहुत टेंडरनेस देगा कोफ्ते में। तो ये ले लिया है मैंने प्रोसेस्ड चीज़, एक ब्लॉक लिया है मैंने, 25 ग्राम का एक ब्लॉक होता है, बस एक ही ब्लॉक डालूंगी मैं। पनीर चीज़ हमने ज़्यादा नहीं डालना, हमने रेसिपी की ऑथेंटिसिटी को ओवर पावर नहीं करना, बस टेस्ट देना है अच्छा। अब डालूंगी कॉर्नफ्लोर, ये भी मैंने 30-40 ग्राम्स लिया है। अब कर देंगे इसको अच्छी तरह से मिक्स। कॉर्नफ्लोर हमने ज़्यादा नहीं डालना, बस इतना ही डालना है कि ये अच्छी तरह से बाइंड हो जाए और कोफ्ते फ्राई करते टाइम फटे ना, ज़्यादा डेंस नहीं होने चाहिए कोफ्ता, मतलब ज़्यादा हैवी नहीं लगने चाहिए कोफ्ता खाने में। तो ये मैंने तैयार कर लिया है मिक्सचर, अब मैं करूँगी हाथों को वॉश और उसके बाद बॉल्स बनाऊँगी। अब बनाते हैं बॉल्स। बॉल्स कोशिश करके एक ही साइज के बनाइएगा ताकि यूनिफॉर्मली फ्राइंग हो ये। तो ये हो गए मेरे सारे बॉल्स रेडी, 20 बॉल्स बने हैं 150 ग्राम न्यूट्री से। तो ये बेसिकली 19 बॉल्स हैं, एक बॉल मैं फ्राई करके खा चुकी हूँ। मैंने चेक करना था कि बाइंडिंग वगैरह सही है कि नहीं, तो आप भी एक बॉल पहले फ्राई करके चेक कर लें ताकि बाइंडिंग ऊपर नीचे करनी पड़ती है तो कर सकते हैं। तो अब थोड़ा सा मैदे के साथ इसको डस्टिंग करूंगी मैं। इसके साथ क्या होता है, एक तो कलर यूनिफॉर्म आता है सारा कोफ्तों का और कोफ्ते नीचे से चिपकते नहीं। अब इनको मैं फ्राई करूंगी बॉल्स को। फ्राई करते समय आपका तेल का टेम्परेचर मीडियम टू लो रहना चाहिए ताकि कोफ्ते फटाफट लाल ना हो जाएं ऊपर से, क्योंकि अंदर से कोफ्ते पकने चाहिए। अब थोड़ा थोड़ा हिलाऊंगी इसको, ये देखिए नीचे से बिल्कुल नहीं चिपक रहे कोफ्ते क्योंकि मैंने मैदे से कोटिंग की थी। तो ये धीरे धीरे लाल हो रहे हैं और अंदर से भी पक रहे हैं, तो आपने तेल का टेम्परेचर इतना ही रखना है, ज़्यादा तेज़ नहीं करना। तो ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है। कोफ्ते का असली टेक्सचर ये होता है जो ऊपर से क्रिस्प अंदर से सॉफ्ट और ओवर फ्राई नहीं होने चाहिए। एक बार जब हमने कोफ्ते निकाल लिए हैं तो तेल को थोड़ा देंगे रेस्ट, इसको मतलब थोड़ा गर्म होने देंगे क्योंकि तेल ज़्यादा देर फ्राई होते होते ठंडा हो जाता है बार बार अगर हम फ्राई करें तो। तो बस थोड़ी देर का ही, एक मिनट का ही रेस्ट देना है। अब फिर मैंने लो की हुई है गैस, अब फिर से डालूंगी दूसरा लॉट कोफ्तों का, क्योंकि फ्राइंग में हमने बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना होता, जब तेल ठंडा हो गया तो कोफ्ते तेल पी जाएंगे। तो ये देखिए कोफ्ता हो गए रेडी, ये देखिए कितनी क्रिस्पीनेस है इसमें, आवाज़ आ रही है। तो ये 12 कोफ्ता बॉल्स हैं, आज मैं आपको फुल पोर्शन बना के दिखाऊंगी कोफ्ता करी का। तो ये बाकी बचे बॉल्स मैंने निकाल के रख लिए थे, हाफ डन करके रख लिए थे इसको, इनको हम ठंडा करके क्लिंच रैप करके 2-3 दिन के लिए फ्रिज में स्टोर कर लेते हैं। तो क्योंकि जब ऑर्डर आता है तो हमें सारा प्रोसेस करने का टाइम नहीं होता, तो हम इसी को ही फुल फ्राई करके यूज़ कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कोफ्ते की सब्जी बनाना। तो ये है मेरी न्यू कढ़ाई। तो सबसे पहले मैं भगवान का नाम लूँगी, सतनाम श्री वाहेगुरु, मेर पड़िया हाथ रखना अपने बच्चों ते। तो अब कर दूँगी गैस को ऑन। सबसे पहले मैं डालूँगी ऑयल, अब डालूँगी 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून ही अदरक और 1/2 टीस्पून ग्रीन चिली। अब इनको कर देंगे सॉटे। ये मैंने ले लिए नो अनियन नो गार्लिक ग्रेवी, लगभग 250-300 ग्राम्स मैंने लिए। इसको भी थोड़ा पकाऊंगी।
थोड़े मसाले ऐड कर दूंगी पहले। नमक, नमक आप ध्यान से डालिएगा क्योंकि हमने पानी में भी नमक डाला हुआ है जिसमें हमने न्यूट्री बॉयल की थी। 1/2 टीस्पून कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून कोरिएंडर जीरा पाउडर, थोड़ी सी कसूरी मेथी। अब इसको मसाले को थोड़ा भूनेंगे। मसाले को ज़्यादा भूनने की आदत मुझे बचपन से है, मेरी मम्मी ने डाली हुई थी ये आदत। इसी से टेस्ट आता है तड़के में और सब्जी में फ्लेवर आता है। मैं इतना काम नहीं करती थी शादी से पहले, तो मम्मी मुझे इन्वॉल्व रखने के लिए कुछ ना कुछ भूनने को देती रहती थी। जैसे प्याज ग्राइंड करके डाल दिए, मुझे कह दिया ब्राउन करना तक मनु बुला लें, जो तो तेल छड़ेगा तो ब्राउन हो जाएगा प्याज। तो फिर मैं यहाँ तक बुलाती थी, फिर कहते थे चल अब टमाटर डाल दिए, अब इसको भूनने तक फिर से मुझे बुला लेना। ऐसे करते करते पूरा तड़का ही मेरे से भुनवाते थे। और मेरी मेड सबको पता चल जाता था आस पड़ोस में, जो तड़का रूबी दीदी लगा रहे हैं, क्योंकि मैं बहुत तेज़ करछी मारती थी तड़का लगाते टाइम। थोड़ा सा ऐड करूँगी इस स्टेज में वही वाला पानी जो हमने रिटेन किया हुआ था, और मसाले को अच्छी तरह से पका लेंगे। थोड़ी देर के लिए इसको ढक देंगे ताकि फ्लेवर और निकल के आए मसालों का। थोड़ी देर हो चुकी है, कितना अच्छा कलर आ गया है। अब कर दूंगी ये पानी ऐड। आपने कोफ्ते की कंसिस्टेंसी कैसे रखनी है ग्रेवी की, आप उस हिसाब से पानी डालें। इसको बॉयल आने दूंगी, फिर मीडियम टू लो करके इसको थोड़ी देर के लिए कवर कर दूंगी ताकि पानी और ग्रेवी अच्छे से पक जाए। तो ये ग्रेवी बॉयल हो गई है, अब इसको मीडियम टू लो करके हम थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। तो ग्रेवी को देख लेते हैं, ग्रेवी बहुत अच्छी तरह से पक चुकी है। लगभग 1 टीस्पून डालूंगी बटर, 1/4 टीस्पून गरम मसाला और 2 टीस्पून डालूंगी क्रीम। अब इसको करूंगी मिक्स। थोड़ी सी डालूंगी चीनी स्पाइसेस को बैलेंस करने के लिए। बस बिल्कुल 10-15 सेकंड के लिए ढकूंगी ताकि क्रीम तेल ना छोड़े। इसकी अभी मैं प्लेटिंग करूंगी, लेकिन मैं थोड़े से बॉल्स डाल के ये देखना चाहती हूँ कि बॉल्स ग्रेवी के डलने के बाद कहीं टूट तो नहीं रहे, सॉफ्ट तो नहीं हो रहे, फिर वो परफेक्ट कोफ्ता नहीं माने जाते। कोफ्ता को भी ज़्यादा देर पकाना नहीं होता ग्रेवी में डाल के, बस हल्के सी ग्रेवी में इसको मिलाने होते हैं। अब कर दूंगी इसको बंद। तो कोफ्ते को चेक कर लेती हूँ, कोफ्ते बिल्कुल सही है बाहर से, खा के देखती हूँ इसको, और अंदर से भी सॉफ्ट है। तो ये हो गए हमारे परफेक्ट कोफ्ता। अब अलग तरीके से मैं आपको प्लेटिंग करके दिखाती हूँ। तो ये 12 बॉल्स की मैंने प्लेट बना ली है, अब इसके ऊपर ग्रेवी को डालेंगे। ग्रेवी को आप पोर्शन देने का टाइम ऐसे भी डाल सकते हो, क्योंकि कोफ्ते अपने आप ग्रेवी को सोक कर लेते हैं। अब डालूंगी थोड़ा थोड़ा बटर। अब डाल दूंगी क्रीम।
थोड़ा सा हरा धनिया। तो ये हो गए हमारे डिलीशियस हाई प्रोटीन न्यूट्री कोफ्ता रेडी। तो फ्रेंड्स, आप बिलीव नहीं करोगे जो ये रेसिपी कितनी डिलीशियस बनी है। तो अगर आपको ऐसी ही रेसिपीज़ और चाहिए तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं ज़रूर लेके आऊँगी वो वाली रेसिपीज़। इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ कि बेस ग्रेवीज आपको रेडी करके रखनी चाहिए, चाहे वो नो अनियन नो गार्लिक हो या चॉप मसाला या ऑल पर्पस ग्रेवी, वाइट ग्रेवी, मखनी ग्रेवी। तो अगर आप सिंगल बेस ग्रेवी भी बना के रखते हो, जैसे नो अनियन नो गार्लिक ग्रेवी या ऑल पर्पस ग्रेवी जो मेरी वीडियो आने वाली है, तो आप उसके साथ भी ढेर सारी डिशेस बना के तैयार कर सकते हो। तो अब आती है हमारी कमेंट सेक्शन की। कमेंट सेक्शन में मुझे किसी ने पूछा जब मैम मेरा बहुत मन है जब मैं क्लाउड किचन खोलूं, लेकिन मुझे प्रॉब्लम आ रही है फाइनेंशियली और परफेक्ट शॉप की। अगर फाइनेंस की बात करूं तो इनिशियली तकरीबन सबको दिक्कत आती है, मुझे भी दिक्कत आई थी बहुत, लेकिन इस चीज़ के लिए हमने वेट नहीं करनी, सूझबूझ के साथ काम खोलें। अगर आपको परफेक्ट शॉप ढूंढने में या उसके लिए ज़्यादा फाइनेंस की ज़रूरत है तो घर से काम शुरू करें। जब हम छोटा काम शुरू करेंगे तब हमें इतने एक्सपीरियंसेस होंगे और जब हम बड़े काम में जाएंगे तो हमें वो दिक्कत नहीं देगा कभी भी। तो बस ये याद रखें जब काम हमेशा छोटे से बड़े होते हैं, शुरू से बड़े नहीं होते। तो मेरा यही कहना है कि इनिशियल और कंसिस्टेंट एक्शन लेना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अरेंजमेंट्स तो अपने आप ही होते रहेंगे और काम बढ़ते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए, आपके काम सफल हो, सरबत का भला हो। और हाँ, अपने आप से प्यार करना ना भूलिए और मेरी वीडियो लाइक एंड शेयर करना भी ना भूलें। बाय बाय।